जेल में फिर से कुछ विचारों में परिवर्तन आया और हिंसा और अहिंसा को लेकर के कुछ पढ़ने लगा, समझने की कोशिश करने लगा, सुनने लगा और मेरी तरफ जो लोग थे उनसे बातचीत में इसकी चर्चा होने लगी। मैं ये तमाम चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ब्लाइंडली गांधी जी की वजह से नॉन वायलेंस को मानने वाला आदमी 42 मूवमेंट में धीरे धीरे एक तरफ से उस ज़माने में जो बातें जो किताबें पढ़ी जाती थी पॉपुलर थी वो पढ़ने लगा और पढ़ते पढ़ते इस नतीजे पर पहुंचा कि यूरोप में हर क्रांति ब्लडी क्रांति हुई है, खूनी क्रांति हुई है, यानी हिंसक क्रांति हुई है। यानी मैं सोचने लगा कि परिवर्तन जिसको आमूल परिवर्तन कहते हैं या क्रांति हिंसा के बगैर आ ही नहीं सकती है। इस किस्म के नतीजे पर मैं धीरे धीरे आया। ये कब तब कौन सा साल होगा? मैं एक तरीके का फैकल्टेटिव अहिंसक और हिंसक था, वो बाद में अहिंसा में मानने लगा। यानी डेमोक्रेसी है तो हिंसा की जरूरत नहीं है। इस किस्म के एक फॉर्मुलेशन से लेकर के मैं इस नतीजे पर पहुंचा था धीरे धीरे कि हिंसा के जरिए जो गांधी जी कहते थे लेकिन समझ में नहीं आता था जी। जो कुछ होगा उसका अंजाम जो आएगा वो आप जो चाहते उस तरीके का नहीं आता, नहीं आएगा। धीरे धीरे मेरे में वो समझ आना शुरू हुई और उसके बाद मैं अहिंसा में जो समाजवादी को बहुत बड़े पैमाने पर यानी मार्ग से लेकर के गांधी तक की जो यात्रा है समाजवादियों में उस यात्रा का मैं भी एक यात्री बन गया और मानने लगा कि शायद गांधी जी के विचारों में उन तमाम हिंसा हिंसा को लेकर के जो विचार है उसमें काफ़ी फर्क है और मुझे गांधी जी के विचारों को मानने लगा। अगर गांधी जी जर्मनी में होते तो क्या होता? ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। यानी इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर आप एक अहिंसक परिवर्तन को मान लाना चाहते हैं तो जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं उसके चरित्र के बारे में जानना जरूरी है। मैं आज भी मानता हूँ, उस वक्त भी धीरे धीरे मानता था, इतने शायद मार देता हूँ उनको, गांधी जी को उनके सत्य के प्रयोग करने का मौका ही नहीं मिलता, ऐसा मैं मानता हूँ। तो अहिंसा में मानने वाला मैं, परिस्थिति कैसी है उसमें बगैर परिस्थिति को बदले आप अहिंसक समाज या अहिंसक तरीके से हमेशा सफल होंगे ही, परिवर्तन ला जाएंगे मानना गलत होगा, ऐसा मेरा धीरे धीरे निष्कर्ष बना। मैं जैसे कहूँ अगर एक समाज के ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल कंपटीशन है, हिंसा होगी ही। जी 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 जी। लेकिन ये जो जर्मनी वाली जो विडम्बना है उससे आपका हिंसा के प्रति जो विश्वास है वो कम नहीं हुआ ना? अहिंसा कभी नहीं हुआ। That's right. आज भी है जी जी। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है, जो लोग अहिंसक तरीके से परिवर्तन लाना चाहते हैं जी। या अहिंसक तरीके से सत्याग्रह कहिए, संघर्ष कहिए, या लोगों के सवालों को हल करना चाहते हैं, उनको अहिंसक समाज बनाना है तो एक इकोसिस्टम जिसमें अहिंसक समाज बनना संभव है उसके बारे में भी करना होगा। यानी स्टैंड अलोन हिंसा और अहिंसा की चर्चा करना अनप्रैक्टिकल है। विल और मैटर की कंट्रोवर्सी में मैं विल को ज़्यादा महत्व देता हूँ। जब मैं विल की बात करता हूँ तो मेरी खुद की कोई एजेंसी है, मैं खादी की बात करता हूँ,
खाली एनवायरनमेंट वगैरह खाली को छोड़ दीजिए, इसमें ग्रीन हाउस गैस का एमिशन बहुत कम होगा, सवाल उठता है मुझे सरकार खादी पहनने से रोक नहीं सकती, कर सकता हूँ ना, तो मुझको या हमको एक ऐसा प्रयोग करना पड़ेगा कि जिसकी वजह से, जिस चीज़ की वजह से ग्लोबल वार्मिंग कम होगी इन तमाम चीज़ों के सिवा, उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग, सोलराइजेशन, एफोरेस्टेशन, जीरो कार्बन कम्युनिटी वहाँ तक हमको पहुँचना पड़ेगा। लेकिन लड़ाई होती रही तो, हिंसा होती रही तो संभव नहीं है।